Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं हम pre-workouts के बारे में. अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि pre-workout लेना चाहिए अगर आप workout करते हैं तो, training करते हैं तो. बहुत सारे लोग confused होते हैं कि क्या उनकी training ऐसी है, क्या वो इस तरह का workout करते हैं कि उन्हें pre-workout लेना चाहिए या नहीं. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि pre-workout होते क्या हैं, क्यों आपको इसे लेना चाहिए या क्यों आपको इसे नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा. और इसी के साथ साथ गाइज, मैं आपको माई प्रोटीन के प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रहा है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, प्री वर्कआउट की जब हम बात करते हैं तो प्री वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है, चाहे उसे आप खाएं, चबाएं या ड्रिंक करें, ये आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए लिया जाता है जो आप वर्कआउट करने वाले हैं उसमें. अब बहुत टाइम पहले की अगर मैं बात करूं तो ये ज़्यादा जो प्रचलित था बॉडी बिल्डर्स में, या फिर जो परफॉर्मेंस एथलीट्स थे, या फिर जो ओलंपिक लेवल के एथलीट्स थे, या बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खेलने वाले एथलीट्स, उनमें ये पॉपुलर था. आज की अगर मैं बात करूं तो ये इतना पॉपुलर और इतना रेगुलर हो गया है आम जिम गोअर्स में भी, कि जो भी इंसान जिम जाता है या थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता है तो वो प्री वर्कआउट लेने लग गया है. अब मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं कि अगर आप एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हैं या लेना चाहते हैं तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि प्री वर्कआउट लेने से, सप्लीमेंट लेने से कोई चमत्कार नहीं होगा. आपकी बॉडी 0 से 100 नहीं बन जाएगी या परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा अनलेस आप बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रख रहे हों. पहला फैक्टर आता है इसमें आपका ट्रेनिंग, उसके बाद आती है आपकी न्यूट्रिशन, उसके बाद आती है आपकी स्लीप. ये सारे फैक्टर्स जब ठीक तरीके से, बैलेंस तरीके से आपकी लाइफ में ना हो और आप एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे. ट्रस्ट मी, आप अपना पैसा वेस्ट करेंगे. बट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको बताना ये ज़रूरी है कि होता क्या है. अब प्री वर्कआउट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो अलग अलग कंपनीज अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाती हैं, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि कैफीन, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके साथ साथ इसमें कई तरह के अमीनो एसिड्स को भी डाला जाता है, जैसे कि आर्जिनिन, सिट्रुलिन, बीटरूट जूस का भी इस्तेमाल किया जाता है, और तो और अश्वगंधा का भी इस्तेमाल होता है. तो इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स होते हैं अलग अलग आपके इस्तेमाल में आते हैं सप्लीमेंट बनाने में. अब बात करते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की डिटेल में. तो सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट जो होता है आपका प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में वो होता है कैफीन. कैफीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है आपका रेगुलर डे लाइफ में भी. जब हम प्री वर्कआउट में इसकी बात करते हैं तो कैफीन सबसे पहले तो एक स्टिमुलेंट है जो आपकी बॉडी में अलर्टनेस को क्रिएट करता है, अलर्टनेस को जनरेट करता है, उसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको भी बूस्ट करता है. साथ ही साथ कई सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ये आपके मसल को ज़्यादा हेल्प करता है ताकि वो एनर्जी के रूप में फैट को बर्न कर पाए. साथ ही साथ ये ग्लाइकोजन को प्रिजर्व भी करता है. इसी के साथ साथ कैफीन के बारे में एक और स्टडी ये हुई है कि ये आपके मसल की एबिलिटी को बढ़ाता है ताकि वो ज़्यादा पावर को जनरेट कर पाए. तो ऑल इन ऑल कैफीन एक बहुत ही अच्छा स्टिमुलेंट है, स्पेशली अगर आप प्री वर्कआउट में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में कैफीन को ऐड किया गया है तो ये आपके वर्कआउट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है. इसके बाद जो दूसरा कॉमन इंग्रेडिएंट रहता है वो है आपका बीटरूट. अब बीटरूट जूस बहुत सारे सप्लीमेंट ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, बट इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि ये आपकी बॉडी में इनऑर्गेनिक नाइट्रेट को देता है, यानी कि NO3. अब ये जो NO3 है ये बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि आपकी बॉडी में NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाए, जिसका बेसिक मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड रेगुलेशन है, ब्लड फ्लो रेगुलेशन है, उसको इंक्रीज करे, साथ ही साथ आपका जो ग्लाइकोजन अपटेक है, ग्लूकोज अपटेक, उसको बढ़ाए, और साथ में साथ स्केलेटल मसल यानी कि जो आपका मसल है उसको भी इंक्रीज करे, क्योंकि उसका मसल सिंथेसिस है, उसको इंक्रीज करने में NO बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसी के साथ साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी NO का बहुत बड़ा हाथ रहता है, इसीलिए बीटरूट एज अ सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जाता है आपके प्री वर्कआउट में. इसके बाद आते हैं दो कॉमन इंग्रेडिएंट्स जिसका नाम है आर्जिनिन एंड सिट्रुलिन मैलेट.
अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं आपके, ये इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ वैसोडाइलेटर, यानी कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं इनको ये डायलेट करता है, यानी कि खोलता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड को ज़्यादा इंक्रीज, ज़्यादा फ्लो बढ़ाता है आपके मसल्स में, ताकि जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो ठीक तरीके से हो सके ड्यूरिंग वर्कआउट। और इसी के साथ साथ आर्जिनिन एंड सिट्रुलिन मालेट आपके एनओ प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बॉडी में इंक्रीज करते हैं, एंड जिसका रिजल्ट होता है आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई आपकी कंसिस्टेंट और सही रहती है। अब इसी के साथ साथ और कॉमन इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, उसके साथ साथ आपका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है टू इंक्रीज योर एटीपी लेवल, दैट इज योर एनर्जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, बहुत ही पुराना वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं लिंक। इसके बाद बहुत सारे और इंग्रेडिएंट जैसे कि अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो सप्लीमेंट कंपनीज अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने फॉर्मूला के हिसाब से यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि कोई अगर इंसान प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता या नहीं ले सकता तो उसे क्या करना चाहिए, क्या है वो फूड अल्टरनेटिव्स जो आप ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कैफीन का इंटेक अपनी बॉडी में करना पड़ेगा अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के रिजल्ट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लार्ज कप कॉफ़ी। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप बीटरूट जूस, यानी कि एनो प्रोडक्शन में आपको हेल्प मिले, तो आप बीटरूट जूस का भी कंजप्शन कर सकते हैं वर्कआउट से ठीक पहले। उसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत बार बताया है हाई इन पोटेशियम, हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज आपको मिलेगा, बहुत ही फास्ट एब्जॉर्बिंग। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको सिट्रुलिन मालेट का इफेक्ट मिले, यानी कि एज अ वैसोडाइलेटर आपकी जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो मसल्स में, तो आप यहाँ पे वाटरमेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटरमेलन जूस या फिर रॉ वाटरमेलन को भी खा के आप वर्कआउट करने जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्पिनिच, केल और विटामिन सी में जो रिच फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेप्स, ऑरेंजेस। तो ये ओवरऑल जब आप कंबाइन करेंगे सारे फूड्स को अपने रेगुलर बेसिस में, अपने प्री वर्कआउट में, यानी कि वर्कआउट से पहले, तो ये एज अ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आपका काम करेगा। नाउ अब बात करते हैं उन लोगों की जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले सकते हैं या लेना चाहते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट रिसेंटली वन ऑफ द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड हैज अप्रोच्ड अस टू शेयर व्यूज अबाउट देयर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। तो उसके बारे में मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी इफेक्टिवनेस, उसका प्राइस, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं हम माय प्रोटीन के प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में। इस ब्रांड के बारे में मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको कि किस तरीके से ये कंपनी काम करती है, बट लेट्स टॉक अबाउट देयर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। अभी जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है मेरा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसका फ्लेवर। फ्लेवर इज रेसबेरी, ब्लू रेसबेरी, और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ऑथेंटिक, मतलब जब मैंने टेस्ट किया इसको एग्जैक्टली जैसा ब्लू रेसबेरी टेस्ट करती है, जो आफ्टर टेस्ट आता है उसका हल्का सा, बिल्कुल वैसा ही। इसके साथ साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी तक बताए हैं, जैसे कि कॉमन इंग्रेडिएंट कैफीन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, यू नो ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा भी इसके अंदर एडिड है, सिट्रुलिन मालेट इज़ देयर, ऑल्सो यू नो अदर अमीनो एसिड्स, BCAAs इसके अंदर है, और विटामिन सी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इंग्रेडिएंट्स के मामले में इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट नहीं डाला है इसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसके अंदर हैं। अब बात करता हूँ मैं इसकी इफेक्टिवनेस की। तो जब मैंने इसको ट्राई किया कल परसों की बातें वर्कआउट करते हुए, तो बहुत ही जल्दी यू नो विद इन 5 to 10 minutes इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, बहुत अच्छा तरीके से आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, अलर्टनेस बॉडी में आने लगती है, थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर भी मेरा ऊपर गया, यू नो एसी में बैठा था बट स्टिल रेज हुआ टेम्परेचर, दैट वॉज अ गुड साइन। और उसके बाद थ्रू आउट द वर्कआउट किस तरीके से ये मेंटेन करके रखता है आपके पंप को भी और साथ ही साथ एक अलर्टनेस को भी, तो ये मुझे एक्सपीरियंस मैंने किया। अब बात करते हैं इसकी सर्विंग्स की। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा पैक पड़ा है। मेरे पास 500 ग्राम्स का पैक है, तो इसमें 31 सर्विंग्स हैं
और पर सर्विंग जो इसका साइज है वो आपका 16 ग्राम्स का स्कूप है। अब मैं 16 ग्राम्स तो कंज्यूम नहीं करता, बट हाफ स्कूप में ही मेरा काम हो जाता है। सो अगर आप इसका 250 ग्राम्स का पैकेट भी लेंगे तो भी इसमें आपको ऑलमोस्ट 31 सर्विंग्स आप निकाल सकते हैं। अब 250 ग्राम्स का अगर आप परचेस करना चाहते हैं इनकी वेबसाइट में, राइट नाउ इट्स ब्लैक फ्राइडे सेल गोइंग ऑन, तो आपको 1700 रुपीज़ का पड़ जाएगा अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे इनका। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को परचेस कर सकते हैं। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ गाइस के प्री वर्कआउट सप्लीमेंट तभी आपका काम करेगा जब फैक्टर्स आपके सारे चेक होंगे, यानी कि ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, स्लीप और फूड अल्टरनेटिव्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को लेना नहीं चाहते तो। ऑलराइट, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को लेके। अगर आपको ये वीडियो और इसकी एडिटिंग और इसका प्रोडक्शन वैल्यू आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए। एंड टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।